चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और मैं अभी अभी जस्ट सोकर उठा हूँ और देखते हैं सब बाकी घर वाले क्या काम कर रहे हैं। और इधर माँ जी पहली बार, ये कैसे आई सरकार? आज कैसे मक्की दी रोटी बना रही हो? हैं? पता नहीं बनाने, बस मैं देखूं, मैं बना लूंगी। अच्छा, मम्मी नहीं बना देती? बढ़ती है। अच्छा, मम्मी पढ़ती है तो आज उनका ख्याल रखा जा रहा है। कोई जैसी कैसी दो दो मक्की दी रोटी बना दी है मां जी ने। चलो बना दी, क्या बात है। नॉर्मल रोटी बना लेते, उसमें क्या था। और इधर पारुल बर्तन साफ कर रही है। आज तूने बर्तन रखा है? अच्छा, मैं कभी बर्तन रख लिया हो। पूजा करूं रोज। अच्छा, पूजा करती है रोज, अच्छी बात है। आलू बैंगन चावल बनाए? पारुल आलू बैंगन चावल, बैंगन की लड़ाई, भिंडी सगाई, बताओ। खा लूंगा। और इधर ऑफिस के लिए रख दिया पारुल ने लंच। लंच में है चावल और आलू सफ़ेद बैंगन। और ये अनानास रखा है। आइए दोस्तों, आप सभी भी खाइए मेरे साथ। और इधर बैठी हमारी ब्राउनी। ए ब्राउनी, ब्राउनी हेलो कर दो सबको, हेलो करो। और इधर बैठी हैं मम्मी जी। क्या कर रही हो मम्मी? हैं? अच्छा, भूख लग रही? पूजा तो हो गई है, प्रसाद तो दिया नहीं तुमने मुझे माता रानी का। और ये देखिए दोस्तों, मेरी दादी जी की बनाई हुई जबरदस्त मक्के की रोटी। आइए और आप भी खाइए हमारे साथ। और अब माँ जी कर रही है अपने ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में माँ जी ने लिए मक्के की रोटी और आलू और सफ़ेद बैंगन। अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ब्रेकफास्ट में मैंने भी लिया है चाय। चाय देखो थोड़ी सी दी है मम्मी ने, और नहीं थी मम्मी चाय, पिता ही नहीं फिर छोड़ के जाए थे। अच्छा जी। और आलू और सफ़ेद बैंगन थोड़े से, और एक पराठा, क्योंकि मैं कम ही खाता हूँ सुबह सुबह। बस ये है कि ज़्यादा भूख नहीं लगती फिर लंच तक, क्योंकि 1 बजे मैं लंच कर लेता हूँ, 11 बजे हम जाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आप भी खाइए और मैं भी खाता हूँ। और दोस्तों, मैं और पापा जी ऑफिस के लिए रेडी हो चुके हैं और बस निकल रहे हैं। और आगे का व्लॉग मम्मी और पारुल कंटिन्यू रखेंगी। मैं मिलता हूँ आपको शाम को। और अब जाने लग रहे हैं ऑफिस। भीम बाय करो। बाय मम्मी जी। शाम को क्या लेके आएगा हमारे लिए? बताओ क्या लाना? मेरा व्रत है उसके लिए। एक तो पनीर ले आइए जरूर। ठीक है, फ्रूट आऊंगा। हाँ, केले ले आइए। केले भी ले आऊंगा। ये देखो मेरा देख ब्रो। ओ भाई, इसका जी नहीं लगता, जान नहीं देती तो मैं कल पारस ना। ब्रो नहीं ले चीजी, दे दे पारुल कुछ। क्या देगी पारुल? वो दे दे से बर्फी या रसगुल्ला। ले ले अनानास खा ले, खा ले। ऐसा कर, कोली सी भर ले और गए। बाय कर लो, बाय ब्रोनी। और काम हमारा हो गया, तो थोड़ा सा खाना वाना भी कमी बना। पारुल ने बर्तन कर लिए, माता जी वो बैठी, मैं भी एक बर्फी का पीस खाऊंगी, जब जाकर पोछा करूंगी। ठीक है। और अब बना रही है मम्मी पारस भैया के लिए परांठे। ये देखिए चकोर परांठे बनाए कितने अच्छे। और ये परांठा बनकर तैयार है। और पारस भैया आलू बैंगन की सब्जी नहीं खाते, इसलिए उन्होंने अपने लिए चावल छुपवाए। जो चावल बच रहे थे उनमें हल्दी नमक मिर्च डाल के प्याज में छोंक दिए जीरे में। अब मैं डाल के उन्हें दे दूंगी प्लेट में। और ये डाल दिए मैंने प्लेट में, देखिए कितने अच्छे बने हैं चावल। और मम्मी तैयार होगी आ जाने के लिए। कीर्तन में जा रही। अच्छा, रात चल रहे ना, तो इसीलिए कीर्तन है पड़ोस में ही,
नौरते के लिए देवी माता का। और मम्मी वहीं जा रही माता रानी के कीर्तन में, और दूध का डल्लू भी ले जाएंगे साथ में, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे ना, कीर्तन तो बहुत बारी निमटे। ब्राउनी, चलो गेट बंद करने दो। देखिए लेट की गेट पे ही, इधर लेट जब ब्राउनी, गेट बंद करूंगी। ब्राउनी गेट बंद कर देंगे, यही पड़ गई गेट में अड़क के। और मम्मी आ गया उसमें तो कीर्तन में था, दूध भी ले आई है साथ, फिर दूध लेने चली गई थी उधर से। और ये प्रसाद में मिला केला, और ये प्रसाद लेके आई मम्मी, इसमें वो है मखाने और पिट्ठा। और अब बनाएंगे मम्मी कुट्टू की पकौड़ी व्रत के लिए, इधर घी गर्म होने के लिए रख दिया, और घी गर्म हो गया है। अब मम्मी डाल रही इसमें पकौड़ियाँ। मम्मी माता रानी का भोग लगाने जा रही। और दोस्तों हम ऑफिस से आ गए हैं, और आज देखिए हम आते हुए क्या लाए हैं। आज लाए हैं हम बनानास, और ये है आपका पनीर हाफ के जी, और 1 kg है टमाटर। क्यों ये ले आए थे हम, नारियल पानी हम निकलवा के ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और आज पारुल खाने में क्या है? दाल चावल। दाल चावल, तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं है दाल चावल, और फिर भी दाल चावल ही बना देती हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, हम तो ये रखी हैं दोस्तों यिप्पी, ये काम आएंगी हमारी इमरजेंसी में, मैंने ये ला रखी हैं ताकि कभी भी ऐसी खतरनाक चीज़ें बने तो ये काम आ जाए, है ना पारुल? और माँ जी रही हमारी, और माँ जी क्या हाल चाल? खाना खा लिया? क्यों नहीं खाया अभी? क्यों नहीं खाया? खा लेंगे अभी, मुझे देर होगी, 8 ही तो बजे। 8 बजे? और पानी क्यों, आँखों में पानी चल रहा है, दवाई नहीं डाली? नहीं डाली तुमने? डाली थी, फिर क्यों पानी चल रहा? अरे माते तो ऐसे आँखें चली जाएंगी, नहीं फिर मेरी माँ को दिखने का नहीं। और मम्मी जी कहाँ पे थी अब तक? सो रही थी? नहीं लौट रही। क्यों, आज कैसे मुंह उतरा सोया? खाना खाने के बाद चक्कर आता है, मतलब बिना खाना खाए चक्कर नहीं आता। तो जब नहीं रह जाता जरूरी थोड़ी होते हैं माता का, फिर भी मम्मी को पकौड़े पसंद है, पकौड़े पूरी, फिर भी मम्मी नुकसान करते हैं, तेल में उतरते हैं ना वो, मत खाया करो नॉर्मल, वो सब मक्खे चावल अच्छे थे। पारुल मेरे लिए भी आज कुछ अच्छा सा बनाइए, पकौड़ी। वाह जी वाह, ये तो फिर भी खा लेंगे। और दोस्तों आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।